दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मटका बॉलीवुड यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको अभिनेता बॉबी देओल की 7 जुलाई 2000 में रिलीज हुई फिल्म बिच्छू और गोविंदा की 6 अक्टूबर 2000 में रिलीज हुई फिल्म शिकारी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं शिकारी फिल्म के बारे में। दोस्तों अगर हम शिकारी फिल्म की बात करें तो ये फिल्म 2000 में रिलीज़ हुई थी और ये एक हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म को एन चंद्रा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में गोविंदा, करिश्मा कपूर, तब्बू, जॉनी लीवर और किरण कुमार थे। अगर हम इस फिल्म के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 10 करोड़ रुपये था। इस फिल्म ने इंडिया में तकरीबन 6 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और शिकारी फिल्म को बनाने में 8.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं बिच्छू फिल्म के बारे में। दोस्तों अगर हम बिच्छू फिल्म की बात करें तो ये फिल्म भी 2000 में रिलीज़ हुई थी और ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म को गुड्डू धनोआ ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में बॉबी देओल, रानी मुखर्जी और आशीष विद्यार्थी थे। अगर हम इस फिल्म के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 18 करोड़ रुपये था। इस फिल्म ने इंडिया में तकरीबन 11 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और बिच्छू फिल्म को बनाने में 8.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और ये एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। तो दोस्तों आपको इन दोनों फिल्मों में कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद आई थी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।